गली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। क्या रणवीर सिंह बनेंगे अगले बाहुबली? आखिर क्यों प्रभास को किया गया फिल्म से बाहर? क्या प्रभास और मेकर्स में हुई कोई अनबन? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। गाइज, ये तो आप सभी को पता है कि साउथ फिल्मों का जादू लोगों पर इस कदर छाया है कि लोग फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर फिल्म के फैंस का इंतजार बस लंबा ही होता रहा है। बाहुबली 3 के अनाउंसमेंट के बाद फिल्म के प्री प्रोडक्शन के काम को पूरा कर लेने के बाद भी फिल्म के शूट को बंद कर दिया गया। इसका रीजन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच की बॉन्डिंग बताई जा रही है, और ना सिर्फ प्री प्रोडक्शन बल्कि फिल्म के कास्ट को लेकर भी मेकर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि बाहुबली फ्रेंचाइजी का प्रीक्वल बाहुबली बिफोर द बिगनिंग एक सीरीज है जो शिवगामी देवी के जिंदगी पर बेस्ड है, और शिवगामी देवी के रोल के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को अप्रोच किया गया था, और उन्होंने फिल्म के 70% शूट को भी कंप्लीट कर लिया था, पर मेकर्स के प्लान और मृणाल के विचार अलग होने के कारण उन्होंने फिल्म के शूट को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद फिल्म में दूसरी एक्ट्रेस को शिवगामी देवी के रोल के लिए कास्ट किया गया। इसी तरह की और भी बहुत सारी परेशानियां ऐसी रही जो बाहुबली के मेकर्स को फिल्म के शूट के दौरान फेस करनी पड़ी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। एक इंटरव्यू के दौरान जब साउथ सुपरस्टार प्रभास ने इस बात की कंफर्मेशन दी थी कि फिल्म का सीक्वल भी जल्द ही रिलीज किया जाएगा, तब फैंस के मन में जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि प्रभास भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे? क्या प्रभास ही बनेंगे अगले बाहुबली? पर अगर सोर्सेस की माने तो एक्टर प्रभास ने अपने बिजी स्केड्यूल और डेट्स फुल होने के कारण फिल्म को करने से मना कर दिया, जिसके बाद फैंस काफी निराश हुए और हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर कौन बनेगा अगला बाहुबली। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर किस एक्टर ने किया है सुपरस्टार प्रभास को रिप्लेस। गाइज, ये तो आप सभी को पता है कि फिल्म के मेकर्स काफी दिनों से फिल्म के लीड एक्टर की तलाश में, और फाइनली अब जाकर खत्म हुई है मेकर्स की तलाश। बाहुबली बिफोर द बिगनिंग के लीड के लिए बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को सिलेक्ट किया गया। गाइस, प्रभास के फिल्म से बाहर होने के बाद मेकर्स ने रणवीर सिंह को अप्रोच किया था, पर उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से मेकर्स को कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई थी। पर अगर सोर्सेस की माने तो अब मेकर्स को इस फिल्म में रणवीर सिंह के रोल को लेकर कंफर्मेशन दे दी गई है। ये तो आप सभी को पता है कि बाहुबली के रोल में फैंस ने प्रभास को कितना प्यार दिया, तो अब देखना यह है कि क्या रणवीर सिंह को भी फैंस का उतना ही प्यार मिलेगा? क्या रणवीर सिंह कर पाएंगे प्रभास को रिप्लेस? और क्या प्रभास का फिल्म में ना होने से होगा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर? तो गाइज, अब कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं रणवीर को बाहुबली के रोल में देखने के लिए? क्या आपकी भी एक्साइटमेंट कम हो गई फिल्म में प्रभास के ना होने से? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज।